सर्विस के मौजूद नाजरीन, आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं सना जॉर्ज। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पापा आजम फ्रांसिस ने क्वेटा वकैरियट पाकिस्तान का अपोस्टोलिक विकर नामजद कर दिया है, जल्द उनकी उसकी फ्याई तख्सीस की जाएगी। पोप फ्रांसिस ने कहा कैथलिक माजूर अफराद को पाक सैक्रामेंट्स वसूल करने का हक हासिल है। रेवरेंड फादर थॉमस भट्टी ओपी खुदावन में सो गए। कारितास पाकिस्तान कराची की जानिब से जरूरतमंद खानदानों और बच्चों में तहाइफ की तकसीम। ये थी आज की न्यूज हेडलाइंस। खबरों की तफसील इस न्यूज ब्रेक के बाद। आरवीए उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई की इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसेस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें आरवीए के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 00-3334-591-055। वेलकम बैक नाजरीन। अब खबरें तफसील के साथ। पोप फ्रांसिस ने 1 जनवरी 2021 को रेवरेंड फादर खालिद रहमत ओएफएम कैप को क्वेटा वकैरियट पाकिस्तान का अपोस्टोलिक विकर नामजद कर दिया है। रेवरेंड फादर खालिद रहमत 5 अगस्त 1968 को मियांवाली में पैदा हुए। आपका ताल्लुक इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस से है। आपने एक अच्छे कैथलिक मसीही खानदान में तरबियत पाई। खुदा ने आपको बेहतरीन तालीमी औसाफ से आरास्ता किया, जिसके बायस रहबाना जिंदगी को अपनाने से पहले आपने एक प्राइमरी स्कूल में बतौर उस्ताद खिदमत की। आपने अपनी रहबाना जिंदगी की इब्तदाई तालीम सेंट मेरीज सेमिनरी लाहौर से हासिल की और इसकी तालीम तरबियत में आपने 28 दिसंबर 2007 को दायमी अहदबंदी लेकर कैप्चन बरादरी के रुकन होते हुए खुद को खुदावन यीशु मसीह की खिदमत के लिए मुकम्मल तौर पर पेश कर दिया। 16 अगस्त 2008 में आपको कहानत का पाक सैक्रामेंट दिया गया। काहिन बनने के बाद 2008 से 2011 तक आप कैप्चन ऑफ फ्रायर माइनर्स की तालीम तरबियत में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपनी खिदमत पेश करते रहे। 2008 से 2014 तक आपने सेंट मेरीज सेमिनरी लाहौर और फ्रांसिस्कन फादर्स की तरबियत गाह में बहैसियत मुअल्लिम खिदमत की, जबकि 2010 से 2014 के दौरानिये में आप इंटर कॉन्ग्रीगेशनल प्रोग्राम से भी वाबस्ता रहे। 2011 से 2014 के अरसे में आप पाकिस्तान के कैप्टन फ्रायर माइनर्स के एजुकेशनल कमीशन में वाइस प्रोविंस ऑफ द ऑर्डर के तरबियतकार भी रह चुके हैं। 2013 से आप कैथलिक नकीब मैगजीन के एडिटर रहे हैं। 2015 से 2017 तक आप मेट्रोपॉलिटन आर्च डायसिस ऑफ लाहौर के कॉलेज ऑफ कंसल्टर्स के मेंबर भी रहे। 2016 में आपको आर्च डायसिस ऑफ लाहौर की बाइबल कमीशन के मेंबर होने के लिए मुंतखब किया गया, जिसे आपने 2017 तक बखूबी निभाया। 2017 से 2020 तक आप पाकिस्तान के कैप्टन फ्रायर माइनर्स के इकोनॉमिक कमीशन में वाइस प्रोविंस ऑफ द ऑर्डर के मावन कोऑर्डिनेटर रहे। 2014 से 2020 तक आपने लाहौर डायसिस के आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मल पैरिश आडा सियालकोट में बहैसियत पैरिश प्रीस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दी। हाल ही में पाकिस्तान में कैप्टन बरादरी के कस्टस थे। 1 जनवरी 2021 को पापा आजम फ्रांसिस ने कलीसिया के इस वफादार और लायक फर्जंद को खुदावन के गले की मुहाफ़ज़त और निगबानी के लिए क्वेटा वकैरियट पाकिस्तान का अपोस्टोलिक विकर नामजद किया है और जल्द आपकी उसकी फ्याई तख्सीस की जाएगी। पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि तमाम कैथलिक माजूर अफराद को सैक्रामेंट्स वसूल करने का हक हासिल है। उन्होंने सख्ती से इस बात की ताकीद की कि जैसे कलीसिया के दीगर मेंबरान को पाक सैक्रामेंट्स दिए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह माजूर अफराद को भी पाक सैक्रामेंट्स वसूल करने चाहिए। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि कैथलिक पैरिशेज हकीकी कोशिश करें कि वो माजूर अफराद को पैरिशेज में खुश आमदीद कहें और उनकी मसबी तालीम के लिए मुख्तलिफ नौयत के प्रोग्राम भी तरतीब दें। उन्होंने मुनाद सेबान को हदायत की कि वो बिलखसूस पैरिशेज के साथ मिलकर माजूर अफराद के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दें। उन्होंने कलीसिया को हदायत दी कि हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम माजूर अशखास की जिस्मानी कमजोरी पर बात ना करें, बल्कि दुआ करें और अपने बारे में सोचें कि मेरी उनके लिए क्या खिदमत है। 7 जनवरी 2021 को रेवरेंड फादर थॉमस भट्टी ओपी खुदावन में सो गए। उनकी आखिरी रसूमात होली रोजरी कैथलिक चर्च वारिसपुरा फैसलाबाद में अदा की गयी। फादर थॉमस भट्टी डोमिनिकन जमायत के अजीम सपूत थे, जिन्होंने 40 साल बतौर काहिन खिदमत सर अंजाम दी। तकदस मां बिशप इंद्रियास रहमत बिशप ऑफ फैसलाबाद, रेवरेंड फादर यूनस शहजाद वाइस प्रोविंशियल इब्ने मरियम वाइस प्रोविंस पाकिस्तान, फादर पॉस्कल पॉलूस, फादर जेम्स चन्नन और डायसिस के दीगर फादर सेबान, सिस्टर सेबात और कसीर अल तदाद मोमिनीन ने शिरकत की। अकदस कुर्बानी के बाद दूर नजदीक से आए हुए मोमिनीन ने फादर थॉमस को शानदार खराज तहसीन पेश किया और उनके जस्ते खाकी को काहिन बरादरी सिस्टर सेबात और आमतुल मोमिनीन की कयादत में जुलूस की सूरत में कब्रिस्तान तक ले जाया गया। बिशप जी ने अपने वास में बताया कि फादर थॉमस भट्टी खुशमिजाज और बेहतरीन पासबान थे। फादर यूनस ने फादर थॉमस की तमाम तर पासबानी, रसालती और तालीमी खिदमत का शुक्रिया अदा किया। कारितास पाकिस्तान कराची ने पाकिस्तान में कारितास के 55 साल मुकम्मल होने की खुशी में
सेंट पॉल चर्च, सेंट थॉमस के इलाका शहबाज गोट और कारितास कम्युनिटी स्कूल के बच्चों में तहाइफ तकसीम किए। इसके साथ साथ मुस्तक खानदानों में राशन तकसीम किया गया, जिसका मकसद मुस्तक लोगों के साथ यीशु के जन्मदिन की खुशियों को बांटना था। इस मौके पर कारितास पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी मिस्टर मंशा नूर ने खुदा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इनसे मिली हुई खुशी हमेशा साथ रहेगी। आखिर में तमाम मुखय्यर हजरात और शुरका का भी शुक्रिया अदा किया। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाज़त दीजिए। आरवीए उर्दू न्यूज़ सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज़। अमन और सच्चाई की इस आवाज़ के साथ हम आवाज़ होने के लिए अपनी डायसेस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें आरवीए के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 00-3334591055। Radio Veritas Asia.